हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी टेस्टी क्रिस्पी सूजी की जलेबी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूजी की इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बारीक वाला सूजी लिया आधा कप और 1/4 कप फेटाना दही बक्कड़, 2 चम्मच मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। फूड कलर ऑप्शनल है, चाहिए तो दीजिए नहीं तो स्किप कीजिए। और शुगर सिरप बनाने के लिए 1 कप शुगर और 2 इलायची फ्लेवर के लिए और पानी। फ्राइंग के लिए घी यूज़ करूँगी, आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया, सूजी, दही, फेटाना दही बक्कड़ और जो 2 चम्मच मैदा लिया वो भी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब सेट होने के लिए 10 मिनट साइड में छोड़ देती हूँ, तब तक शुगर सिरप बना लेती हूँ। शुगर सिरप बनाने के लिए शुगर लिया और पानी ऐड कर दिया और बॉयल होने के लिए रख दिया। जो इलायची लिया वो तोड़ के ऐड कर दिया और शुगर सिरप में क्रिस्टलाइज रोकने के लिए आधा लेमन का जूस भी ऐड कर देती हूँ। शुगर सिरप बन के रेडी हो गया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। घी गर्म होने के लिए रख दिया। जलेबी का बैटर सेट हो गया। अभी जो बेकिंग पाउडर लिया वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। 1 चम्मच पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा गाढ़ा लग रहा है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फूड कलर 1 चुटकी, ये ऑप्शनल है, चाहिए तो दीजिए नहीं तो स्किप कीजिए। फ्लेवर में कुछ फर्क नहीं आएगा, ओनली देखने को बहुत अच्छा लगता है तो मार्केट जैसे बनाने के लिए मैं 1 चुटकी फूड कलर ऐड किया। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी जो ऐसे जलेबी मेकर का बॉटल आता है उसमें पहले फिल कर लेती हूँ पूरा बॉटल भर के। ऐसे सारे बॉटल के अंदर फिल करके रेडी कर लिया। ऐसे बॉटल नहीं रहेगा तो कौन सा भी प्लास्टिक में कोन बना के जलेबी बना सकते हैं। चलते हैं फ्राइंग के लिए। अभी इस तरह से ऐसे गोल गोल घुमाते जाने का, जलेबी बनाते जाने का, छोटा बड़ा जैसे चाहिए आप लोग को इस हिसाब से जलेबी बनाने का। जलेबी फ्राई जैसे ही हो जाएगा ऑयल का ऊपर आ जाएगा। जैसे फ्राई होके ऊपर आएगा ऐसे फ्लिप कर लेने का और दोनों साइड क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेने का। जलेबी का कलर चेंज हो गया, ऐसे सारी जलेबी को ऑयल से निकल के जो शुगर सिरप पहले से बना के रखा उसमें डिप कर लूँगी। शुगर सिरप में ऐड कर दिया और अच्छी तरह से डिप कर लूँगी। ऐसे 1 मिनट डिप करके प्लेट में निकल लूँगी। सेम प्रोसेस में सारी जलेबी को फ्राई कर लेती हूँ। जैसे एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा ऑयल का ऊपर आ जाएगा ऑयल बाकी जो मैं फ्राई करेंगे तो ऐसे फ्लिप कर देने का और दूसरे साइड क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेने का। शुगर सिरप में 1 मिनट हो गया। ज़्यादा टाइम जलेबी को शुगर सिरप में डिप करके रखेंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और क्रिस्पीनेस चला जाता है। 1 मिनट में अंदर तक शुगर सिरप चला जाता है। ऐसे प्लेट में निकल के रखती हूँ। बाकी सारा जलेबी को इसमें डिप कर लूँगी। शुगर सिरप में अच्छी तरह से डिप कर देती हूँ और 1 मिनट रखने के बाद शुगर सिरप से निकल लेती हूँ। टेस्टी क्रिस्पी सूजी की जलेबी बन के रेडी हो गया।
बहुत ही इंस्टेंट बन के रेडी होता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।